नमस्कार बच्चों। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में आपके फिफ्थ क्लास मैथ्स का पीटी वन का एक पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये केवी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि अगस्त मंथ में हमारा पीटी वन शेड्यूल्ड होता है। हर साल आपके पीरियोडिक फर्स्ट होते हैं इस साल क्योंकि जो अभी करंट सर्कमस्टांसिस की वजह से आपका टेस्ट नहीं हो पाएगा, एग्ज़ाम नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन आप एक बार पेपर देखेंगे। आपको सबको पीटी वन का सिलेबस तो पता ही होगा कहाँ तक है, आप सभी के पास स्प्लिटअप होगा। अगर किसी के पास नहीं है, आपको नहीं पता कि किस मंथ में कितने चैप्टर्स होने हैं, कितना स्प्लिटअप है आपका, कितना पीटी वन में आना है, कितना एस ए वन में आना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे, मैं एक वीडियो आपकी स्प्लिटअप सिलेबस की भी बना दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखा रही हूँ, फिर इसके बेसिस पे आपकी क्विज भी होगी। जैसे नॉर्मल आपकी क्विजेज होती है चैप्टर वाइज, अब आपके पीटी वन की पूरे सिलेबस की एक क्विज होगी, जहाँ पर आपके जितने भी जैसे इस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस हैं उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके ऑप्शंस होंगे, और जैसे आप बाकी क्विजेज अटेम्प्ट करते हैं वैसे आपको वो भी क्विज अटेम्प्ट करनी है। तो लेट्स बिगिन नाउ, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको पता है वीडियो के नीचे राइट साइड में अगर रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा है तो आप उस पर टैप कर देंगे, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो अगर आएगी, अब हम रोज़ एक एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं, आज मैथ्स का, देन ईवीएस, देन हिंदी, देन इंग्लिश, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो चलिए, चैनल सभी ने सब्सक्राइब कर दिया होगा। अब देखिए, फर्स्ट पेज आप सभी को फिल करना आता होगा। फिफ्थ क्लास तक बहुत सारे पेपर्स आप लोग दे चुके हैं। क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट मैथ्स, डेट जो डेट उस दिन होती है आप वो लिखते हैं, मंथ नेम आप अपना यहाँ पर नाम लिखते हैं, रोल नंबर लिखते हैं, एंड सेक्शन लिखते हैं। कई बार बच्चों को देखा गया है कि बच्चे इस जो ये वाला जो पोर्शन है इसको भी फिल कर देते हैं। ये आपके लिए नहीं है, आपको इसमें कुछ नहीं करना, ये आपकी टीचर के मार्क्स देने के लिए होता है। ओके, क्वेश्चन पेपर आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। सो क्वेश्चन पेपर का किस तरीके से स्प्लिट किया हुआ है ये भी आपको पता होगा। 10 मार्क्स आपके नॉलेज के होते हैं, 10 मार्क्स अंडरस्टैंडिंग के होते हैं, 10 मार्क्स आपके एबिलिटी टू कंप्यूट के होते हैं, 10 प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी के, 40 मार्क्स का आपका पेपर होता है, और पेपर का जो टाइम होता है दैट इज़ 90 मिनट्स, यानी कि वन एंड हाफ आवर में आपको पूरा पेपर कंप्लीट करना होता है। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं, पहले 10 मार्क के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं। डैश इज़ द लार्जेस्ट 5-digit number, ये हमारा 5-digit का सबसे बड़ा नंबर है। तो कौन सा नंबर हमारा 5-digit का सबसे बड़ा नंबर होता है? द करेक्ट आंसर इज़, ये आप सभी को पता होगा, 9 लिखना है आपको 5 times। सो द करेक्ट आंसर इज़ 9, 9, 9, 3, 4, 9 and 5, ये आपका 5-digit का बिगेस्ट नंबर है, ये ब्लैंक में आप फिल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड, 7650 में से आप क्या माइनस करेंगे कि वो उतना ही नंबर रहे? तो ये आपको पता होगा, किसी भी नंबर से अगर आप जीरो माइनस करते हैं तो नंबर को कोई इफेक्ट नहीं होता, वो एज इट इज़ रहता है, तो इस यहाँ पर आप जीरो फिल करेंगे। ओके, ये चीज़ें ध्यान से सुन लीजिए, इसके बाद मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछने वाली हूँ इसी वीडियो में, और यही ऐसे ही सेम क्वेश्चंस आपके उस क्विज में भी आने वाले हैं जो कि आपकी पीटी वन की क्विज होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 5 kilograms इज इक्वल्स टू हाउ मेनी ग्राम्स? आपको पता होगा 1 kilogram में 1000 grams होते हैं, पता नहीं है तो सुन लीजिए, 1 kilogram में आपके 1000 grams होते हैं, तो 5000 grams में कितने हो जाएंगे, 5 kilogram में कितने हो जाएंगे, 5000 grams हो जाएंगे, तो यहाँ पर आप 5000 लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्क्वायर हैज़ डैश इक्वल साइड्स, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, स्क्वायर में कितनी इक्वल साइड्स होती है? अ स्क्वायर हैज़ डैश, सॉरी, 4 equal sides, 4 equal sides होती है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ राइट एंगल मेजर्स डैश डिग्री, एक राइट एंगल आपका मेजरमेंट कितने डिग्री का होता है? तो एक राइट एंगल जो होता है आपका दैट इज़ ऑफ 90 degree, वो आपका 90 degree का होता है। टाइप ऑफ एंगल्स आपको पता होंगे, आपकी पीटी वन के सिलेबस में है। नेक्स्ट इज, डैश इज बेसिक यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ की बेसिक यूनिट क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए, मीटर जो है आपकी वो आपकी लेंथ की बेसिक यूनिट होती है। ओके, चलिए आगे, अब देखिए इसके बेसिस पे मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सबसे पहले आप मुझे बताइए 4 digits का स्मॉलेस्ट नंबर, ये मैं आपसे कई बार जो आपकी क्विजेज होती है उसमें भी पूछ चुकी हूँ, स्मॉलेस्ट 4-digit number आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सबसे पहले तो वीडियो पॉज करिए, जल्दी से आंसर करिए। सेकेंड, आप मुझे बताएंगे कि 3 kilogram में कितने ग्राम्स होंगे, अभी मैंने आपको बताया है, वीडियो पॉज करके इसका आंसर करिए। नेक्स्ट आप मुझे बताएंगे कि एक ट्रायंगल में हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में आपकी कितनी साइड्स होती है। ओके, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट दी एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर, आपको इस नंबर की एक्सपैंडेड फॉर्म लिखनी है। देखिए एक्सपैंडेड फॉर्म क्या होती है, कई बार आपको आंसर आता है, आपको
लेकिन आपको एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता कि एक्सपेंडेड फॉर्म किसे कहते हैं। तो देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म ये होती है, आपका 64,310 दिया हुआ है, तो आप लिखेंगे 60,000 प्लस 4,000 प्लस 300 प्लस 10, ये आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म होगी। ओके, और एक्सपेंडेड फॉर्म से आपको नॉर्मल नंबर भी लिखना आना चाहिए। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, चलिए आपके लिए क्वेश्चन है कि 3000 प्लस 3000 प्लस 200 प्लस 50 प्लस 7 इज इक्वल्स टू क्या नंबर होगा। देख लीजिए, वीडियो पॉज करिए, इसका आंसर सोचिए और कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रीराइट द गिवन नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आपके दो टाइप से आप नंबर्स को लिख सकते हैं, वन इज असेंडिंग एंड द अदर इज डिसेंडिंग। असेंडिंग होता है स्मॉलेस्ट नंबर आपका सबसे पहले आता है, देन बिगर 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 और लास्ट में बिगेस्ट, बड़े की तरफ चलते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर आपका होता है, पहले आप बड़ा नंबर लिखते हैं, देन छोटा 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 और उसके बाद सबसे छोटा नंबर। तो यहाँ पे आप देखिए 5064, 5006, 5605, 5500। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है आपका, 5605। तो सबसे पहले आप 5605 लिखेंगे। नेक्स्ट नंबर इससे बड़ा कौन सा है, 6000 सबसे बड़ा नंबर है आपका 6500, क्योंकि बाकी सब में 5000 है, इसमें 6000 है। सो 6500 आप सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद 5605, देन 5064 और लास्ट में सबसे छोटा जो नंबर है दैट इज़ 5006। सो इसको आप लास्ट में लिखेंगे। ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। ओके, चलिए अब आगे आते हैं। ये आपका नॉलेज बेस्ड हमारा ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट, ये 10 मार्क्स हो चुके हैं आपके, 6 प्लस 2 प्लस 2। अब आपके अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस हम देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए ये आपका अंडरस्टैंडिंग सेक्शन है। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, गिव मेजर्स ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एंगल्स। इनका मेजरमेंट बताइए आप, लेस देन राइट एंगल। एक लेस देन राइट एंगल जो होता है उसको आप क्या बोलते हैं, राइट एंगल से छोटा जो एंगल होता है वो हमारा होता है अक्यूट एंगल। सो यहाँ पर आप अक्यूट एंगल लिखेंगे और एक अक्यूट एंगल का मेजरमेंट दे दीजिए, 90 से छोटा कोई भी एंगल आप ले लीजिए, 87, 85, 30, 40, 20, 60, anyone, 90 से छोटा होना चाहिए। तो सपोज़ करिए मैंने 50 डिग्री ले लिया, तो अक्यूट लिखिए और एक एंगल बता दीजिए, अक्यूट कोई भी 50 डिग्री का एंगल। नेक्स्ट है आपका मोर देन राइट एंगल। राइट एंगल से बड़ा जो नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ ऑब्ट्यूज एंगल। तो यहाँ पर आप ऑब्ट्यूज लिखेंगे और 90 से बड़ा कोई भी एक मेजरमेंट इसको दे दीजिए, 90 से बड़ा 100, 120, 130, 140, 150 कोई भी, सपोज करिए मैंने 123 लिख दिया, तो एक मेजरमेंट दे दीजिए इसको। ओके, तो ये आपका इसका आंसर हो गया। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ द गिवन शेप इन स्क्वायर ग्रिड। ये आपको स्क्वायर ग्रिड में एक शेप दी हुई है, आपको इसका एरिया बताना है। एरिया आपको पता होगा कैसे निकालते हैं किसी भी शेप का, उसके अंदर जो आपके स्क्वायर्स जो आते हैं उनको हम लोग काउंट करते हैं। तो देखिए एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिगर्स को पेंसिल से आप पहले इसको कंप्लीट कर लेंगे एग्जाम में भी, और अब आपको सिर्फ इनके बॉक्सेस को काउंट करना है। देखिए बॉक्सेस को अगर आप काउंट करेंगे, दिस इज़ फर्स्ट 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 बॉक्सेस ये हो गए, और अगर आप देखें हाफ इधर है और हाफ इधर है, तो ये हाफ हाफ मिलके 1 कंप्लीट कर देगा, यानी कि एरिया कितना हुआ इसका, 1, 2, 3, 4, 5 एंड दिस एंड दिस 6, सो 6 स्क्वायर यूनिट, 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये इसका एरिया हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना जब भी आपको एरिया निकालना है तो आप अंदर के बॉक्सेस को काउंट करते हैं, जब आपको पेरीमीटर निकालना होता है तो आप बाहर की जो चारों तरफ की लेंथ होती है उसको काउंट करते हैं। ओके, सो एरिया निकालना है तो अंदर के बॉक्सेस काउंट कर लीजिए, दो हाफ अगर है तो दो हाफ को मिलकर 1 आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द शेप विद 2 मोर साइड्स सो दैट एरिया इज 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसको आपको कंप्लीट करना है ताकि एरिया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर्स आ जाए। तो इस तरीके से आप इस फिगर को कंप्लीट कर दीजिए, सॉरी ऐसे, और अब इसका एरिया देख लीजिए कितना है। अंदर के जो बॉक्सेज है आप उनको काउंट कर लेंगे तो आपको एरिया पता लग जाएगा एग्जैक्टली बीच में से जानी चाहिए लाइन। ओके, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 7, ये दोनों 8, ये दोनों 9 और ये दोनों मिलकर आपके 10, तो 10 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया हो जाएगा। आगे आते हैं, हियर इज अ रेक्टेंगल ऑफ एरिया 20 सेंटीमीटर। ये आपको 20 सेंटीमीटर का एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल ट्रायंगल्स। इसमें एक स्ट्रेट लाइन आपको खींचनी है जिससे कि ये दो इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाए। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। तो देखिए किसी भी रेक्टेंगल को अगर आप दो ट्रायंगल्स में डिवाइड करना चाहते हैं तो उसके डायगनल को मिला दीजिए ऑपोजिट साइड को ऐसे। तो ये जो दो साइड होंगे, देखिए एक ये आपका ट्रायंगल बन जाएगा, एक ये ट्रायंगल बन जाएगा। तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, पेंसिल और स्केल लेंगे, स्केल्स एक यहाँ पर पॉइंट रखिए, स्केल का एक यहाँ पर, और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करती हुई। मेरी लाइन स्ट्रेट नहीं है बिकॉज मेरे पास स्केल नहीं है, आप स्केल से करेंगे एग्जाम में तो हो जाएगा ये आपका। ओके,
तो ये आपने दो इसमें इक्वल ट्रायंगल्स में इसको डिवाइड कर दिया। उसके बाद उसने पूछा है कि एरिया बताइए हर एक ट्रायंगल का कितना होगा। सो पूरा आपका जो ये था रेक्टेंगल, इसका एरिया 20 था, तो हाफ का कितना हो जाएगा 10 और अदर हाफ का 10। सो आप यहाँ पे लिखेंगे 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। पूरे का अगर 10 था तो हाफ का, सॉरी पूरे अगर रेक्टेंगल का 20 था तो हाफ ट्रायंगल जो है उसका 10 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इट इनटू टू इक्वल रेक्टेंगल्स, व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच स्मॉलर रेक्टेंगल। अब आपको इसको इसमें एक और लाइन ड्रॉ करनी है जिससे कि ये दो इक्वल रेक्टेंगल्स में डिवाइड हो जाए, और हर एक रेक्टेंगल का एरिया भी बताना है। इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दीजिए, 1 2 3 4 5, 5 काउंट करके एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दीजिए तो आपके दो इक्वल रेक्टेंगल में डिवाइड हो जाएगा ये। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, एक रेक्टेंगल आप बीच में इस तरीके से ड्रॉ कर दीजिए तो भी ये दो इक्वल रेक्टेंगल्स में डिवाइड हो जाएगा, एक ऊपर और एक नीचे, और दोनों का एरिया अगेन कितना होगा, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर ही होगा इसका एरिया। ओके, तो यहाँ पर आप 10 स्क्वायर सेंटीमीटर लिख देंगे। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट इज अबिलिटी टू कंप्यूट। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज फिल इन द ब्लैंक्स, आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं। राइट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन बिलो। ये आपको एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, इसका एरिया निकालना है। वेरी इजी क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एरिया निकालने के लिए आपको खाली बॉक्सेस काउंट करने होते हैं। तो देखिए इसमें कितने बॉक्सेस है, 1 and 2 बॉक्सेस है, तो एरिया विल बी 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ मिनट्स 3 आवर्स इज, द नंबर ऑफ मिनट्स इन होगा ये, द नंबर ऑफ मिनट्स इन 3 आवर्स। आपको बताना है कि 3 आवर्स में कितनी मिनट्स होती है। पहले आप मुझे बताइए 1 आवर में कितनी मिनट होती है। 1 आवर में हमारी 60 मिनट्स होती है, सो 3 आवर्स में कितनी मिनट्स हो जाएंगी। आप 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, 3 0s are 0, 3 6s are 18, सो 180 मिनट्स हो जाएंगी आपकी। तो यहाँ पर आप आंसर लिखेंगे 180। ओके, अब आप मुझे बताइए, चलिए 5 आवर्स में कितनी मिनट्स होंगी, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे 5 आवर्स इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मिनट्स। ओके, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट इज सॉल्व द फॉलोइंग, ड्रॉ हैंड्स ऑन द क्लॉक दैट शोज। ये आपको दो क्लॉक्स दी हुई है, आपको इनमें एक टाइम बताना है दैट विच इज़ लेस देन अ राइट एंगल, जो कि आपका एक राइट एंगल से कम हो। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ, जो आपके जब आपके मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में 3 नंबर्स होते हैं तो वो आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है। जैसे अगर मैं ऐसे करूँ, आपको एक मैंने 12 पे रखी मिनट आर हैंड और मिनट हैंड मैंने 3 पे रखी, सो ये राइट एंगल है आपका, क्योंकि बीच में 1 2 3 3 नंबर्स हैं आपके। ओके, और 3 नंबर्स से कम 2 नंबर्स हैं या 1 नंबर है तो वो आपका एक्यूट एंगल होगा, और उससे ज़्यादा अगर है तो वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा। तो जब भी आपको लेस देन राइट यानी कि एक्यूट एंगल बनाना है तो दोनों जो आपकी मिनट हैंड और आर हैंड है उनको पास पास रखिए। ये लेस देन 90 एंगल है आपका, ये एक्यूट एंगल है, या फिर आप ऐसे भी बना सकते हैं, एक को 12 पर रखिए दूसरे को 2 पर रखिए, ये भी आपका एक्यूट एंगल होगा। और अगर आपको ऑब्ट्यूज बनाना है तो दोनों जो आपकी मिनट हैंड और आर हैंड है उनके बीच में 3 से ज़्यादा नंबर का गैप रखिए। अगर एक 2 पर है तो दूसरी को आप 2 3 4 5, 5 से आगे कहीं भी रख सकते हैं, आप 6 पर रख सकते हैं, 7 8 9 10। ओके, लेकिन 2 नंबर्स का गैप ज़रूर होना चाहिए उन दोनों नंबर्स के बीच में। सो एक को अगर आपने 2 पे फिक्स किया, दूसरे को आप 7 पे कर दीजिए, ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा एक्यूट से ज़्यादा। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, जब आपके मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में 3 नंबर्स होते हैं तो आपका राइट एंगल बनता है। 3 से ज़्यादा नंबर्स हैं तो वो ऑब्ट्यूज एंगल है, 3 से कम नंबर है तो वो अक्यूट एंगल है। आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, आपको कोई टाइम बता सकता है, सपोज करिए उसने बोला 12 10 हुआ है अभी, तो बताइए किस टाइप का एंगल बनेगा। तो आप देख लीजिए 12 और 10 में, ये 1 है ये 2 है आपका, बीच में कितने नंबर्स हैं मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में, 2 ही नंबर्स हैं, तो यानी कि ये अक्यूट एंगल है। 3 से कम अगर नंबर है तो अक्यूट एंगल बनेगा, 3 है तो राइट एंगल बनेगा, 3 से ज़्यादा है तो वो ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। नेक्स्ट इज फाइंड द एरिया ऑफ गिवन फिगर। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसिंग है एक्चुअली, यहाँ पे इन्होंने कोई फिगर दी होगी, प्रिंट नहीं हुआ है बाई चांस, उसका एरिया आपको निकालना है। तो एरिया निकालने का तरीका मैं आपको बता ही चुकी हूँ, बहुत ईजी होता है। आपको कोई भी फिगर दी हुई होगी, आपको सिर्फ उसके अंदर के बॉक्सेस काउंट करने हैं कि कितने हैं। ओके, बीच में कोई भी फिगर दी हो, अंदर के बॉक्सेस आप काउंट कर लीजिए, वो आपका एरिया हो जाएगा। नेक्स्ट सॉल्व द फॉलोइंग, ड्रॉ एन एंगल ऑफ द फॉलोइंग मेजर विच इज़ लेस देन 90 डिग्री एट ए। आपको ए पर कोई भी एक लेस देन 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो देखिए मैं आपको 90 डिग्री का एंगल दिखा देती हूँ। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है, जहाँ पर दोनों ही लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट होती है, बिल्कुल सीधी होती है इस तरीके से। इससे जो छोटा एंगल होता है वो लाइन एक दूसरे के ऊपर इंक्लाइंड होती है, झुकी हुई होती है, जैसे ये लाइन इसके ऊपर झुकी हुई है। और जब आपको ऑब्ट्यूज एंगल होता है 90 से बड़ा अगर आपको बनाना है तो लाइन्स एक दूसरे से दूर जा रही होती है, जैसे ये जा रही है, ये दूसरी तरफ झुकी होती है, तो ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है।
तो जब भी कभी आपको एक्यूट एंगल बनाना हो तो लाइन इसकी तरफ झुका दीजिए, पॉइंट की तरफ ऑब्ट्यूज एंगल बनाना हो तो लाइन को दूर कर दीजिए ऐसे, और राइट एंगल बनाना हो तो लाइन को सीधी खींच दीजिए इस तरीके से। ओके, उसने लेस देन बोला है तो लेस देन के लिए आप कोई भी स्केल लीजिए, कोई भी एंगल आप इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, मेजर द लेंथ ऑफ फिश इन सेंटीमीटर। अब ये भी, इसने भी फिगर मिसिंग है, आपको यहाँ पर एक फिश दी होगी ज़रूर, आपको उसकी लेंथ मेजर करनी है, क्योंकि फर्स्ट जो चैप्टर है आपका एनसीईआरटी में द फिश टेल, उसमें आपको फिशेस के बारे में बताया हुआ है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपको स्केल से लेंथ मेजर करनी आ ही गई होगी, ये आपका सेकंड क्लास का कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली सेकंड क्लास में आपको सिखा दिया जाता है। आप स्केल लेंगे, यहाँ से यहाँ तक स्केल रखेंगे और उसके बाद काउंट कर लेंगे कि कितने आपके नंबर्स हैं बीच में, 1 2 3 4 5 6, सपोज करिए 7 नंबर्स हैं तो 7 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन दिस इज, इस नंबर में 6 की प्लेस वैल्यू क्या है। तो पहले देख लेते हैं 6 किस प्लेस पर है। तो देखिए वंस टेंस हंड्रेड्स, 6 हंड्रेड्स प्लेस पर है, तो 6 अगर 100 प्लेस पर होगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 600। सो आंसर विल बी 600। अब आप मुझे इसके बारे में क्वेश्चन बताइए, आप मुझे बताइए 2350 में 2 की प्लेस वैल्यू क्या है। ओके, कमेंट सेक्शन में आप मुझे इसका आंसर देंगे। आगे आते हैं, आंसर द फॉलोइंग। इफ अ मोटर बोट गोज 20 किलोमीटर 1 आवर, एक मोटर बोट है, एक घंटे में 20 किलोमीटर जा रही है, हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 6 आवर्स। तो आप मुझे बताइए 6 आवर्स में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। आपको पता होगा जब भी कभी आपको 1 आवर का या फिर 1 रुपीज़ की कॉस्ट या फिर किसी एक प्रोडक्ट की कॉस्ट दी होती है और ज़्यादा की पूछी होती है, तो यू ऑलवेज हैव टू मल्टीप्लाई, आपको मल्टीप्लाई करना है हमेशा ही। तो 1 आवर में अगर जो आपकी बोट है वो 20 किलोमीटर जा रही है तो 6 में कितनी जाएगी, इसके लिए आप क्या करेंगे, यू हैव टू मल्टीप्लाई 20 बाई 6। आप 20 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। सो आंसर विल बी 6 0s are 0, 6 2s are 12। सो आंसर विल बी 120 किलोमीटर, यानी कि वो जो बोट है वो आपकी 6 आवर्स में 120 किलोमीटर जाएगी। ओके, सो ये आपका क्वेश्चन पेपर है, आपको पता लग गया होगा कि कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं, और आपको ये भी पता लग गया होगा कि कैसा क्वेश्चन पेपर आता है आपका, किस तरीके से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको अगर कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक में, आपको कुछ समझ में नहीं आया, आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हैं कि मैम ये टॉपिक आप एक बार समझा दीजिए, मैं उसकी वीडियो अपलोड कर दूंगी। लेकिन कुछ दिनों बाद जब हम सभी पेपर डिस्कस कर लेंगे तो आपकी PT1 की क्विज़ आने वाली है बहुत जल्दी, जिसमें कि सारे चैप्टर्स के आपके मिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे, तो आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।